आरटीओ से लक्ष्मीनगर आने वाली बंद रोड खुली, ट्रैफिक रहा स्मूथ, लोगों ने ली राहत की सांस। यमुना पुल पर मरम्मत के चलते कल बंद थी एक तरफ की रोड। कृष्णानगर में बर्थडे पार्टी के बाद दोस्तों के बीच मारपिटाई, लोहे की रॉड से एक का सिर फोड़ा, पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही मामले की जांच। जाफराबाद हत्या, नहीं हुई कोई गिरफ्तारी, घटना की सीसीटीवी फुटेज आई सामने, मृतक की पिछले 2 साल से थी लड़की से दोस्ती। इस बार जल्दी देखने को मिल रहा है डेंगू का मच्छर, डॉक्टर्स की सलाह, साफ पानी कहीं ना इकट्ठा होने दें, लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से मिलें और कराएं ब्लड टेस्ट। राहत देने के नाम पर वोट बैंक बढ़ाने की कवायद, खाना बांटने के साथ कर रहे पार्टी का प्रचार, राहत शिविरों में चस्पा है नेताओं के पोस्टर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास, मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। आईटीओ से लक्ष्मीनगर की तरफ आने वाली बंद रोड को खोल दिया गया है, जिसके चलते आज यहां ट्रैफिक स्मूथ रहा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको बता दें कि विकास मार्ग के यमुना पुल पर मरम्मत कार्य के चलते सोमवार को आईटीओ से लक्ष्मीनगर की तरफ आने वाली एक सड़क को बंद रखा गया था, जिसके चलते सचिवालय से लेकर रैनीवेल तक जाम लगा हुआ था। राजघाट की तरफ से आने वाले वाहन सचिवालय के पास से होकर विकास मार्ग पर निकल रहे थे, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। आज यह रोड खुल जाने के बाद यहां ट्रैफिक स्मूथ रहने से लोगों ने राहत की सांस ली। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी के बाद दोस्तों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित अजय गंगा विहार में रहते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित रवि ने बताया कि रविवार को उनके जन्मदिन पर दोस्त विशाल, विजय और उनके भाई अनुज और निखिल पुनीत अमन इकट्ठे होकर उसे प्रीत विहार में एक कैफे में पार्टी करने गए। पार्टी खत्म करने के बाद सब बाहर गाड़ी में बैठ गए। सभी ने शराब पी हुई थी, लेकिन विजय को नशा हो गया था और वह मुझे और विशाल को और ज्यादा पीने के लिए बोलने लगा। उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद मारपीट शुरू कर दी गई। उसने विशाल को बहुत मारा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की तो उनके गले से सोने की चेन तोड़कर वह फरार हो गया। इसके बाद आरोपी ने फोन करके चेन लेने के लिए अपने घर बुलाया। इसके बाद वह विशाल और उसके स्वजन के साथ आरोपी के घर पहुंचे, जहां आरोपी, उसके भाई और अन्य स्वजन ने मिलकर हम सभी पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे और विशाल को लोहे की रॉड से मारा, जिससे विशाल का सिर फूट गया और 2 दांत भी टूट गए। इसके बाद स्वामी दयानंद अस्पताल में उसे इलाज के लिए ले गए। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके के चौहान बाजार से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 25 साल के सलमान के रूप में हुई है। वह गली नंबर 7 ब्रह्मपुरी जाफराबाद का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार उसकी गर्दन और छाती पर चाकू से वार के घाव थे। मृतक सलमान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सलमान की एक लड़की से पिछले 2 साल से दोस्ती थी। लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। बताया जा रहा है कि लड़की के पिता मंजूर ने अपने भाइयों, मौसी और एक नाबालिग के साथ मिलकर सलमान पर उस समय हमला किया जब वह गली नंबर 2 में अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था। बताया जा रहा है कि मंजूर और उसका बेटा फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मृतक पर करीब 6 बार चाकू से वार किया गया। देखिए, कल शाम को 5:15 बजे ये इतला आई थी कि एक यंग लड़के का मर्डर हो गया सड़क के ऊपर। ये गली नंबर 2 बोलते हैं इसको, कल्याण सिनेमा के पास में है और गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती, काफ़ी अंदर जाके है वहाँ। तो पैदल अंदर जाके फिर हम लोगों ने देखा, वहाँ थोड़ी भीड़ भी थी, उनको हटाया तो देखा एक यंग लड़का, बाद में उसकी शिनाख्त हुई सलमान है, तो उसको स्टैप इंजरीज थी काफ़ी सारी, गले में भी और चेस्ट में भी। तो वहाँ इंफॉर्मेशन जब हमने थोड़ी गैदर की तो पता लगा कि उसकी दोस्ती थी एक लड़की के साथ में पिछले 2 साल से,
और लड़की के परिवार वाले उससे राजी नहीं थे, तो दे वांटेड कि ये दोनों अलग हो जाएं। कुछ ही दिन पहले सलमान मोटरसाइकिल में उस गली से गुजरा था, तो उसकी मोटरसाइकिल भी रोक ली गई थी और चाबी निकाल लिया था। उसको बोला था इधर मत आ, पर वहीं पे वो कोई जिम है उसी गली में, वो जिम में अक्सर शाम को जाता था। तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इट सीम्स कि ये शाम को अपने दोस्तों के साथ वहीं जा रहा था, और इसको लड़की के पिताजी और उसके जो दो भाई हैं उनमें से एक माइनर है, पिताजी का नाम मंजूर है और बड़े भाई का नाम हुसैन है, छोटा भाई माइनर, उसका नाम मैं अभी मीडिया के सामने नहीं लूँगा। तो इन तीनों ने उसको रोका और उसके ऊपर अटैक किया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तीनों फिलहाल फरार हैं, हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं उनको ढूंढ लें और जल्दी से, इसमें हमने केस रजिस्टर किया है और कोशिश करेंगे आज शाम तक उनको पकड़ लें। इसमें बच्चे इस गाड़ी पर बैठ कर आ रहे थे, इधर से वो लड़का इधर से आया और उसने उसके साथ में दो तीन लोग थे, और उन्होंने आते ही सिर्फ उसको रुकने भी नहीं दिया, इतनी देर में दया चाकू अपने हाथ उन्होंने मारना शुरू किया। अब ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों को पीटा है उसकी लड़की के साथ इसका अफेयर का कोई मैटर था। हाँ सुना तो कुछ ऐसा ही है, वो लड़की भी गवाही दे रही है, लड़की भी यहाँ आ गई थी और वो फिर पुलिस वालों को लेके अपने भाई के अपने घर पर लेके गई है। बारिश के बाद डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हर बार डेंगू के मच्छर अक्सर सितंबर के बाद नजर आते थे, लेकिन इस बार क्योंकि मॉनसून शुरू होने से पहले से ही बारिश हो रही है, साथ ही यमुना का जलस्तर बढ़ने से जलभराव के चलते भी इस बार मच्छरों के पनपने और उनसे होने वाली बीमारियों के फैलने की संभावना ज्यादा है। इस बारे में हमारे संवाददाता मोहित कैंथ ने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर्स का कहना है कि डेंगू साफ पानी में होता है और इस बार जल भराव को देखते हुए डेंगू ज्यादा होने की उम्मीद है। डेंगू का मच्छर इस बार जल्दी देखने को मिल रहा है, इसलिए लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। साफ पानी कहीं भी इकट्ठा न होने दें। बुखार, कमजोरी, शरीर का टूटना डेंगू के लक्षण हैं। ये लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से संपर्क करें और अपने खून की जाँच कराएं। पानी के कलेक्शन से जैसे हमने पिछले सालों में देखा है, हमने कोशिश की कि घर पे पानी ना इकट्ठा होने दें, टंकी में पट्टी ना इकट्ठा ना होने दें, टायर में ना होने दें, लेकिन अब तो हालत ऐसी हो गई कि पानी ही पानी है और इकट्ठा ही हुआ पड़ा है। तो इस महामारी का अपने आप में एक रूप प्रचंड धारण करना काफी बहुत ज्यादा पॉसिबल है और ऐसा होगा, बट उसको हम कंटेन कर सकते हैं क्योंकि ये हमें इस बारे में मालूम है और कैसे इसे प्रिवेंट करना है वो भी मालूम है। तो इसलिए दोनों तरफ से हमें इस पे वार करना पड़ेगा, जो लोग पीड़ित हैं उनको अस्पताल में आना पड़ेगा और सरकार को जल्दी से जल्दी हमारे पास साफ पानी मुहैया करना पड़ेगा, प्लस जो पानी एकत्रित है उसको किसी न किसी तरह से हमें निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले सिम्टम तो फीवर जो हमारे पास होता है, हर एक पेशेंट को होगा, चिल्स होंगे, ठंड लगेगी, उसके साथ साथ उसको ये फीलिंग होगा कि उसको जॉइंट पेन्स होगा, भूख लगेगी, मतलब वीकनेस होगी, और एनोरेक्सिया, नौसिया, मतलब जिसे कहते हैं कि भूख नहीं लगेगी, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। स्किन रैशेस जो कि बहुत कॉमनली हम उसको रिलेट करते हैं कि तुम्हें दाने हुए नहीं हुए, वो भी शुरू होते हैं शुरू के टाइम में, फर्स्ट फ्यू डेज में। उसके बाद में इचिंग और ब्लड प्रेशर का गिरना इत्यादि, ये उसके थोड़े डेंजरस सिम्टम्स में से आते हैं। डेंगू बुखार एक तरह का वायरल फीवर है जिसे मोस्टली बारिश के बाद काफी एपिडेमिक स्टेट में आता है। दिल्ली जैसे स्टेट में ये हमेशा हर साल की दिक्कत यही रही है कि बुखार तेज आता है, वायरल फीवर इस बारिश के बाद शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले सिम्टम्स बुखार आना होता है। बुखार काफी तेज होता है जो कि पैरासीटामोल टैबलेट है उससे भी नहीं कम होता है। तो इसमें यही रहता है, बुखार तेज रहता है, कभी कभी शरीर में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसमें कि ब्लीडिंग हो जाती है, शरीर में सूजन आता है, कभी दौरे आते हैं। तो इस कंडीशन में हमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना होता है और चीजें उस तरह से मैनेज करनी होती है। ज्यादातर देखा गया है डेंगू बुखार तकलीफ नहीं देता है, 3-4 दिन में सेटल हो जाता है। बाकी अगर बच्चा घर पे ही मैनेज करने में यही होता है कि उसको अच्छे से खुराक दें, पानी अच्छे से पिलाते हैं, इसका यही इलाज है। वहीं बारिश के बाद जगह जगह हो रहे जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, साथ ही इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को डर है कि अब डेंगू और मलेरिया के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। इस बारे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि पहले से ही गंदगी, उस पर बरसात और जलभराव, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं।
लोगों की मांग है कि बिना कोई लापरवाही किए प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों की परेशानी और न बढ़े। दिक्कतें गरीबों को मैडम, अमीरों को थोड़ी है। बाहर रोड पे सोते हैं, कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पे पानी थक जा ठहरा हुआ है, उसका निकास नहीं है कहीं भी। ये सारा सीवर सुपर सारे खुदे पड़े, इसका देखो 2 महीने से कार्य कर कुछ करा ही नहीं इन्होंने। बारिशें बढ़ती जाएगी, बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी। ये कितने मच्छर देख रहे हैं आप, ये आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। शाम हो रही है, आप 10 मिनट खड़े हो जाना, आपको खा के आधा कर देंगे। और इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं कि डेंगू का फुल चांसेस बाद। और ये पूरा बाढ़ का पानी आपको पता ही गया, सारे भरे पड़े हैं सीवर, कोई विकास नहीं है कहीं भी, कुछ नहीं हो रहा मैडम। स्प्रे हुए हैं 2 साल से ऊपर हो गए, 2 साल के पूरे साल ही नहीं हुए केजरीवाल के राज में, तो कहीं नहीं हुआ मैडम। बल्कि थोड़ा बहुत काम जो कांग्रेस करती थी वो भी डूब गया। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी बारिश होती है तो जहाँ खड्डा वगैरह कुछ होता है या फिर नाली वगैरह जाम हो जाती है हमारी कूड़े करकट से, तो अक्सर हर साल होता है, ये कोई आज है नहीं नया, डेंगू भी होता है, मच्छर भी पनपते हैं, उससे बीमारी फैलती हैं। तो इस तरफ जो है बाकी प्रशासन भी ध्यान दे रहा है, और मैं चाहूँगा कि बाकी प्रशासन को कहना चाहूँगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है और दिल्ली में जो कंडीशन चल रही है इस टाइम, बाढ़ जैसा जो संभावना बनी हुई है, तो उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि मच्छर ना पनपे, बीमारी ना हो। राहत शिविर भी अब नेताओं के लिए अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बन गए हैं। हर जगह राजनीति करने वाले नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच भी राजनीति करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के दौरान वे अपने नेता या पार्टी का बखान करना नहीं भूल रहे। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने आज मयूर विहार के राहत शिविर का जायजा लिया। यहाँ राहत शिविर में तीनों पार्टियों के पोस्टर नजर आए। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली बीजेपी नेता बिपिन बिहारी ने खाना देने से पहले सांसद गौतम गंभीर के नाम का जयकारा लगाकर खाना दिया। ये भोजन हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने भिजवाया है आप लोगों के लिए। कौन भिजवाया है? गौतम गंभीर जी। तो गौतम गंभीर जी ने सब नारा लगाओ कि हमारा सांसद कैसा हो, कैसा हो हमारा सांसद, कैसा हो हमारा सांसद, कैसा हो। सीएम और एलजी की तनातनी के बीच नेताओं का कहना है कि लोगों को सफर करना पड़ता है। बहुत से जनहित के काम इन दोनों की तनातनी के बीच अधर में लटके रह जाते हैं। एक तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सीएम और एलजी विवादों में घिरे हैं। डीईआरसी के चेयरमैन की पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल जी का एलजी से विवाद खत्म नहीं हो रहा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और सीएम से कहा है कि वे इस बारे में राजनीति से ऊपर उठकर सोचें और किसी एक नाम पर सहमति बनाएं। इस पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के क्या हैं विचार, आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी स्वागत योग्य है कि दिल्ली में उपराज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री मिलजुल कर आपकी सहयोग से, आपकी सहमति से काम करें। केजरीवाल जी को इस टिप्पणी से समझ लेना चाहिए कि अन्य राज्यों की परिस्थिति अलग है, दिल्ली एक पूर्ण राज्य होते हुए भी यहाँ पर केंद्र के बहुत सारे कार्यालय हैं, राष्ट्रपति ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, एनडीएमसी एरिया है, यहाँ पर पूरे अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर केंद्र के नुमाइंदे राजभवन में बैठे हैं और प्रदेश में किसी और दल की सरकार है तो जनता के कामों को बाधित किया जाए, कहीं ना कहीं अपने अहम की लड़ाई को सामने लाया जाए। यही बात बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है दिल्ली के विषय में कि अपनी अहम की लड़ाई छोड़िए और जनहित पे काम कीजिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और लगातार बीते 9 वर्षों में हमने देखा है कि राजभवन से इनका कहीं ना कहीं गतिरोध रहता है, चाहे इसमें गलती या अहम किसी का भी बीच में आ रहा हो, लेकिन पिस जनता जाती है। कि इससे जनता के बीच में एक सही मैसेज जा रहा है और कोर्ट ने चाहती है कि वो अपनी बात जनता के बीच में ना करें और सिर्फ जो उनकी बातचीत है वो कोर्ट के अंदर ही उसकी सुनवाई हो। मेरा इस बारे में ये मानना है कि जैसे कोर्ट की कार्रवाई आजकल पब्लिक डोमेन में होती है, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, तो अगर ये लोग अपनी बात सोशल मीडिया में बोलते हैं तो इसके अंदर कोर्ट को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जनता सुप्रीम है, जनता असली मालिक है, जनता असली जज है। जनता के पास एलजी के तथ्य और दिल्ली सरकार के तथ्य दोनों ही आने चाहिए। पूर्वी दिल्ली के सुखविहार के सामने की सड़क टूटी हुई है। 3 महीने पहले यहां सीवर की पाइपलाइन डालने का काम किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे बनाया नहीं गया। इस सड़क की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि यहां आए दिन लोग गिर जाते हैं। इस सड़क के आसपास कई स्कूल भी हैं। रोज सैकड़ों बच्चे यहां से आते जाते हैं, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही। आने जाने में दिक्कत हो रही है, कीचड़ भर जाता है, लोगों को परेशानी तो होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है।
पाइपलाइन का काम हुआ था उसके बाद से ऐसे है। पहले थोड़ी सी टूटी हुई थी, पाइपलाइन के काम के बाद ज़्यादा टूट गई। प्रॉब्लम सबको हो रही है लेकिन कोई कंप्लेन नहीं करता। पानी भर जाता है, प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है रोज़ शाम को यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये जी गड्ढे वड्ढे है, बहुत दिक्कत होते हैं गाड़ी चलाने में। कभी हमारे तीन पहिए गाड़ी है और दिक्कत होती है, कहीं गड्ढे में पहिया फंस जाए तो चिमटा टूट सकता है, गाड़ी पलट सकती है, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे दिक्कत बढ़ जाती है, ये देख रहे हो पानी कितना लगा हुआ है। अगर ये गड्ढे वड्ढे में पानी भर जाने से गाड़ी चलाने से बहुत दिक्कत होता है। मैंने इसकी जो शिकायत है वो PWD में करी है, बिल्कुल बेकार विभाग है, कोई सुनवाई नहीं है। दो स्कूल हैं DAV और बाल मंदिर, और रोज़ वहाँ से सैकड़ों बच्चे निकलते हैं, गिरते हैं, कई बार ट्रक फंस जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। ना PWD सुनती, ना LG सुनता, ये BJP हो चाहे आम आदमी पार्टी है, दिल्ली के अंदर इनको बिल्कुल साइड कर दो, बेकार। इसमें क्या करा है, इसमें सीवर की लाइन डाली है। आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई बारिश से पिछले एक दो दिन से पड़ रही उमस वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली। कुछ लोग सड़कों और लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर बारिश का मजा लेते दिखे। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अगले 3 से 4 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली का टेम्परेचर आज 30 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और देखा जाए तो बारिश हो गई तो अच्छा हुआ और काफ़ी सुकून मिल रहा है। सब कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अभी कोचिंग जाना था यहाँ पे। कोचिंग जाना था तो एकदम से बारिश हो गई, तो किस तरीके का देख रहे हैं? क्योंकि 3-4 दिन से उमस भरी थी और अब बारिश हो रही है, तो कितनी राहत मिली है? काफ़ी सही हो गया मौसम, सुबह से गर्मी भी ज़्यादा बढ़ रही थी, उमस सी हो रही थी 2-3 दिन से। गर्मियों से काफ़ी राहत मिल गई है, जो दिल्ली में जो गर्मी पड़ रही थी उससे काफ़ी राहत मिली है। किस तरीके से देख रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे थे और बारिश ने कहाँ रुकवा दिया? मैं घर को जा रहा था बस, अभी इंस्टीट्यूट से बाहर आया था तो बारिश की वजह से अभी यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो इन्जॉय करना चाहेंगे बारिश को, मतलब क्या भीगना चाहेंगे? भीगना तो चाहेंगे लेकिन अभी कुछ मोबाइल वोबाइल भी है तो भाई बहुत राहत मिली इसके लिए। तो बहुत गर्मी में सर उमस हो गई थी, बहुत सी गर्मी हो रही थी खतरनाक, इस चक्कर में राहत मिली है अब तो सबको। दिल्ली में हर चीज़ बेकार है, जब ठंड हद से ज़्यादा होती है गर्मी भी हद से ज़्यादा होती है, तो गर्मी अब ठीक ठाक है। बारिश तो बहुत हो रही है कि बारिश के लगा लो हमारा ईस्ट जीत जाया जाएगा कुछ टाइम में। यहाँ देखो यमुना नहीं, यमुना पूरी आगे तक आ गई है, ललिता पार्क तक पूरी यमुना आ गई है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को राहत मिली है बारिश से। जी हाँ, उमस भरी जो गर्मी हो रही थी जिस वजह से लोगों को राहत मिली है। ताज़ा हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मण नगर इलाके का, जहाँ पर लोग जो है बारिश का लुत्फ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 3 से 4 दिन तक जो है बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो 35 डिग्री टेम्परेचर इस समय है और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि लोग जो है बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीशन लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली मयूर विहार थाना पुलिस ने 37 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को छोटा पार्क 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी दिल्ली में आरोपी युवत मैसी और अमन कुमार के होने की सूचना मिली थी। दोनों आरोपी युवत मैसी और अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने सीलमपुर से मादक पदार्थ खरीदा था और वे इसे दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में बेचते थे। दोनों अपना कर्ज चुकाने के लिए पिछले कुछ दिनों से अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में उतरे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।